हे गाइस वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो आज आप लोगों के लिए लेकर के आ गया हूँ रियलमी नार्जो का 50i, जो कि बजट सेगमेंट में एक अच्छा स्मार्टफोन है या नहीं, चलिए आगे हम वीडियो में देखते हैं और इसको अनबॉक्स करते हैं। बॉक्स के अंदर आप लोगों को क्या क्या मिलता है, ये सभी जानकारी आप लोगों को दिया जाएगा। तो कुछ इस प्रकार का आपको Realme Narzo 50i का बॉक्स मिल स्काई कलर में मिलता है। और बॉक्स के हम लोग निचले वाले भाग में अगर देखें तो यहाँ पर इस बॉक्स में मतलब जो हैंडसेट है उसका मॉडल नेम दिया हुआ है और इसका MRP दिया गया है, जो कि आप लोगों के सामने। और बॉक्स के पीछे में हम देखते हैं तो यहाँ पर कुछ हाईलाइट्स इस फ़ोन के नज़र आते हैं, जो कि 5000mAh का मैसिव बैटरी और ऑक्टा कोर प्रोसेसर के साथ में यहाँ पर आप लोगों को मिल जाता है 6.5 इंच का HD+ वाला डिस्प्ले। और साथ में आपको ट्रिपल स्लॉट यानी कि एक बार में आप दो सिम कार्ड और एक मेमोरी कार्ड अलग से इसमें डाल सकते हैं एक साथ में ही। और बॉक्स खोलते ही यहाँ पर देखिए एक डिसअपॉइंटमेंट हमें मिल रहा है, यहाँ पर एक फेक कैमरा जो देख रहे हैं आप लोग। ये केवल एक कैमरा इसमें दिया गया है, मेन कैमरा जो कि 8 मेगापिक्सल का है, लेकिन इसमें अगर बैक में आप गौर से देखेंगे तो आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पर एक गोल सर्कल का निशान लगाया हुआ है, लेकिन एक्चुअल में वो कैमरा है ही नहीं। अरे भाई साहब, जब कैमरा वो नहीं है तो आपको इतना तामझाम करने की ज़रूरत क्या थी। बैक में आप इतना बड़ा जो ग्लास लगाए हुए हैं भाई, कोई साधारण सा इंसान इसे देख करके मतलब ज़रूर ठगा जाएंगे। तो आगे इसके बाद हम करेंगे, तो चलिए हैंडसेट को देखते हैं। ये रहा आपका मेन हैंडसेट और इसके बॉक्स में अब आगे आपको एक चार्जर देखने को मिल रहा है, जो कि फास्ट चार्जर नहीं है, नॉर्मल सा चार्जर है। और एक डाटा केबल मिल रहा है। चार्जर की हम रेटिंग करें तो 5 वोल्ट और 2 एम्पीयर का चार्जर है, जो कि फास्ट चार्जर नहीं है। और ये हैंडसेट फास्ट चार्जर को सपोर्ट भी नहीं करता है। बजट सेगमेंट का फ़ोन है, इससे ज़्यादा कुछ उम्मीद नहीं की जा सकती है। सिम इजेक्टर टूल और आपको यूज़र मैनुअल इस बॉक्स के अंदर में मिल जाता है। तो एक बात आप लोगों को कहूँगा, मैं ये फ़ोन लेकर के उतना सेटिस्फाइड नहीं हूँ, क्योंकि यहाँ पर ना आपको फिंगरप्रिंट सेंसर मिल रहा है, ना कि डबल और ट्रिपल कैमरा का जो सेटअप है। माइक्रो अगर फोटोग्राफी आपको करना हो तो नहीं कर सकते हैं, इस पर बहुत ही ज़्यादा बोरिंग लगेगा आपको। इतने प्राइस सेगमेंट में इससे बेटर और भी स्मार्टफोन है, आप उन लोगों को देखिए। खैर, हम तो खरीद लिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप लोग सोच समझ कर खरीदिएगा। और बात करते हैं हैंडसेट के, तो आपको राइट हैंड साइड में एक पावर बटन और वॉल्यूम रॉकर, जो कि वॉल्यूम का लेवल अप और डाउन करने के लिए यूजफुल है। ऊपर में कोई सेटअप नहीं मिल रहा है। लेफ्ट हैंड साइड के साथ में आपको देखने को मिल जाएगा डुअल नैनो सिम जो लगता है, और प्लस में एसडी कार्ड एक साथ आप डाल सकते हैं। और नीचे में देखें तो नीचे में आपको 3.5mm का हेडफोन जैक लगाने के लिए और सी टाइप का चार्जर नहीं दिया गया, माइक्रो यूएसबी का चार्जर इसमें दिया गया है, जो कि बजट सेगमेंट में ठीक ठाक ओके माना जाएगा। और ठीक उसके बगल में आपको माइक्रोफोन भी देखने को मिल रहा है। और बात करें हम इसके वेरिएंट की, तो ये 4/64 GB वेरिएंट में आता है, जो कि एंड्रॉयड 11 पे काम करता है। इसमें 2/32 का भी वेरिएंट आता है, 2/32 के वेरिएंट हमने परचेज नहीं किए, 4/64 वाला वेरिएंट है। 4/64 वाला वेरिएंट से कुछ बैक कैमरा के जो सैंपल्स है वो आप लोगों के सामने। ये हमने बैक कैमरा में ऑटो फोकस के साथ में लिया गया था, और ये पोर्ट्रेट मोड में है, जो कि एजेस इंडोर में काफ़ी अच्छा एजेस डिटेक्ट कर रहा है। लेकिन अगर वही हम फ्रंट कैमरा की बात करें, तो फ्रंट कैमरा का 5 मेगापिक्सल का कैमरा है, जो कि मुझे उतना सेटिस्फाइड नहीं कर पाया। देख सकते हैं कलर सेचुरेशन भी वार्म कलर का मतलब दिख रहा होगा आपको, और पोर्ट्रेट मोड में एजेस भी अच्छे से डिटेक्ट नहीं कर रहे हैं। ऑनलाइन प्राइस की हम बात करें तो यहाँ पर आपको 2/32 वाला वेरिएंट जो है वो 7,999 रुपये, और 4 GB RAM 64 GB वेरिएंट वाले के लिए 8,999 रुपये आपको पे करने होंगे। बस आज के लिए इतना ही। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिएगा और दोस्तों में शेयर भी ज़रूर कर दीजिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए देखते रहिए मिस्टर आशिक चैनल को। जय हिंद।